आपका क्वेश्चन है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिव रीजन। तो परफेक्ट स्क्वायर, ये नंबर्स आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका रीजन देना। तो द बेस्ट वे क्या होता है आपका, कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस इज जीरो, तो जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। ठीक है, बट जीरो मींस नॉट अ सिंगल जीरो, क्या होगा आपका, डबल जीरोस ऑलवेज, है ना। 10 × 10 = 100, उसलिए दो जीरो। नेक्स्ट, अगर आपका नंबर है जिसका यूनिट प्लेस इज वन, तो वन का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 1 only. नेक्स्ट देखो, 2, अगर यूनिट प्लेस आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर इज 4। अगर आपका नंबर इज 3, तो 3 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 9। नंबर इज 4, तो 4 स्क्वायर इज 16, है ना। तो यूनिट प्लेस आपका क्या हो गया, 6। नंबर इज 5, यूनिट प्लेस का नंबर इज 5, तो 5 स्क्वायर हमारा कितना होता है, 25। तो यूनिट प्लेस इज 5। नेक्स्ट क्या है आपका, 6, तो 6 का स्क्वायर हमारा होता है 36, तो यूनिट प्लेस इज 6 ओनली। नेक्स्ट 7, 7 स्क्वायर इज 49, तो यूनिट प्लेस इज 9। नेक्स्ट कम्स योर 8 स्क्वायर, दैट इज 64, तो यूनिट प्लेस इज 4। नेक्स्ट इज 9, 9 स्क्वायर इज 81, तो यूनिट प्लेस इज 1। तो आप देखो, आपके पास में कितने यूनिट प्लेस में नंबर आने चाहिए। फर्स्ट इज 0, आपके पेयर्स में होने चाहिए, ऑड में नहीं, ओनली इवन, इवन। ठीक है, अब देखो, 1 का स्क्वायर भी 1 है और 9 का स्क्वायर भी 1 है। नेक्स्ट देखो क्या है, 2 का स्क्वायर भी 4 है एंड 8 का स्क्वायर भी 4 है। 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 7 का स्क्वायर इज 49, ये दोनों आपके सेम है, है ना, 9 9। नेक्स्ट 4 स्क्वायर इज 16 एंड 6 स्क्वायर इज 36, तो ये आपके 6 है और ये बच गया आपका 5। तो टोटल नंबर आपके पास भी कितने होने चाहिए, एक तो देखो पेयर में 0 पेयर, है ना। नेक्स्ट 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, बस इतना ही नंबर होने चाहिए आपके पास। तो अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है इसने, यहां पर दिया है 7, तो 7 तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वी कैन से 7 दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो सेम चीज लिखना है, इट डज नॉट लाई इन दिस रेंज, तो यहां पर लिखना है डज नॉट लाई इन नंबर्स 00, 1, 4, 9, 6, 5, तो therefore इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। Not a perfect square. ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट देखो क्या है, 3, तो 3 भी देखो ये नंबर में नहीं है, तो सेम आंसर आपको यहां पर भी लिखना है। ठीक है, यहां पर देखो 8, तो 8 देखो इसके अंदर 8 नहीं है, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट लास्ट में है 2, तो 2 भी इसके अंदर नहीं है, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।
अब यहां पर देखो 64000, अब इसके पेयर बनाओ, तो पेयर अगर बनाओगे तो ये देखो अकेला हो गया, दैट मीन जीरोस आर ऑड, जीरोस आर ऑड इन नंबर, तो ऑड नंबर है तो क्या होगा, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, हमने बताया ना यहां पर पेयर में होना चाहिए। नेक्स्ट देखो टू, तो टू अगेन डज नॉट लाई हियर, तो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर देखो यहां पर दिया है टू 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 जीरो जीरो जीरो, अगेन तीन जीरो है, तो एक पेयर बन गया लेकिन ये वाला पेयर नहीं बना, तो जीरो आर इन ऑड नंबर्स, तो यहां पर आपको लिखना है जीरोस आर ऑड इन नंबर्स, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहां पर देखो अगेन जीरो, तो जीरो इज सिंगल, तो सेम आंसर आपको यहां पर भी लिखना है, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये रीजंस आपको इसमें देने हैं।